ज्योतिरादित्य सिंधिया कौन, मैं नहीं जानता। ये सवाल किसी और राजनेता का नहीं बल्कि खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया का है, जिन्होंने एक सवाल के जवाब में ये चौंकाने वाली बात कही। दरअसल सिंधिया एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने शॉर्ट विजिट पर ग्वालियर आए। रेलवे स्टेशन पर उनका जोरदार स्वागत हुआ और बस यही पत्रकार भी उन पर टूट पड़े। इस बीच सिंधिया से शराबबंदी को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान और पूर्व सीएम उमा भारती के बीच चल रहे मतभेद की भी चर्चा हुई, जिसके जवाब में सिंधिया ने कहा कि ये उन दोनों के बीच की बात है, वो इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। पत्रकारों ने बीजेपी की गुटबाजी पर भी बात छेड़ी और सिंधिया गुट के बारे में सवाल किए, जिसके जवाब में सिंधिया ने कहा कि सिंधिया कौन है मैं नहीं जानता। मुरलीधर राव इंदौर में थे, उन्होंने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया कि सिंधिया जी की वजह से हमारे कुछ लोग वंचित रह गए। देखिए आप लोगों कृपा करके देश में लोगों को जोड़ने की कोशिश करो। मुरलीधर जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा। मुरलीधर जी ने ये कहा कि जब लोगों का समावेश हुआ है पार्टी में और लोग अब एकजुट होकर परिवार के रूप में कार्य कर रहे हैं, तो सब उस समावेश में जब परिवार बढ़ता है तो सभी का समावेश होने में सभी को स्थान मिलता है। और जहाँ तक ये बात बार बार चलती है, कोई सिंधिया गुट नहीं है, कोई फलाना गुट नहीं है, कोई ढिकाना गुट नहीं है। आप लोग बीजेपी को कवर कर रहे हो बहुत पहले से। बीजेपी में केवल भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया कौन है मैं नहीं जानता, मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ। बहुत बहुत